जैसे कि आप देख सकते हैं 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और यहाँ पर कुछ रिबन्स आए हुए हैं और कुछ फ्लैग्स हैं और एक बड़े वाले फ्लैग्स हैं और कुछ बलून्स हैं जो तिरंगे के कलर का है, अपना ध्वज के कलर का है। तो ये हमारे घर पे तैयारी चल रही है 15 अगस्त की, 15 अगस्त की। तो आगे चल करके आपको दिखाएंगे कि हम क्या बना रहे हैं और क्या प्रिपेयर कर रहे हैं 15 अगस्त के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और आप सभी के लिए भी। तो देखते हैं क्या बनेगा, वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाय गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं आज 15 अगस्त है, ये दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और इस आजादी के लिए न जाने कितने शहीदों ने अपनी बलिदानियां दी हैं और न जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानियां के बाद हमें ये आजादी मिली हुई है, जो हर वर्ष हम अपने स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थाओं पर फहराते हैं। लेकिन इस वर्ष हमारी आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में हमें मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हर घर तिरंगा लहराने के पीछे हमारा मेन जो उद्देश्य है, हमारा तिरंगे के प्रति सम्मान और आदर बढ़े और हर लोगों के अंदर एक जज्बा और एक हिम्मत बने जो अपने देश की हिफाजत के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहे। जब हम अपने तिरंगे को फहराते हैं तब वो क्षण हमारे लिए कितना गौरवपूर्ण होता है। तो हम सभी भारतवासी इस तिरंगे की छत्र छाया में हमेशा खेलते, फूलते और मुस्कुराते रहें और इसकी जय जयकार करते रहें और इसी तिरंगे की छत्र छाया के नीचे हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो इसकी मान मर्यादा हमें इसी तरह बरकरार रखना है और हर घर तिरंगा फहराने का मतलब यह है कि इसकी आन बान और शान के लिए हमेशा तत्पर रहना है और ये जो मौका हमें इस बार मिला है इसे हमेशा बरकरार रखना है और इसकी आन बान शान के लिए हमेशा तत्पर रहना है। हर घर तिरंगा फहराने से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हमें इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है और इसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना है और इसे आगे बढ़ाते रहना है।
और हमेशा कभी इसे झुकने नहीं देना है, हमेशा इसे बुलंद रखना है और उस बुलंदी की ऊंचाइयों को छूना है। जैसे उस सरहद की आंखों को कोई छू नहीं सकता जिस सरहद की निगहवा है ये आंखें। जय हिंद। हमने भी अपने घर पे तिरंगा फहराकर यह शपथ लिया है कि हम इस तिरंगे को कभी झुकने ना देंगे, इसकी आन बान और शान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, इसके साथ साथ अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ हम खुद विकास करेंगे, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते रहेंगे और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उसके अंदर सहयोग करेंगे। तो आप भी शपथ लीजिए और देश की मान मर्यादा को बनाए रखिए और भारत के विकास में सहयोग दीजिए और सहयोग कीजिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने का आप पूर्ण योगदान दीजिए और खुद इस काबिल बनिए। जब आप काबिल बनेंगे तो भारत काबिल बनेगा और जब भारत काबिल बनेगा तो पूरी दुनिया में हमारा डंका जय जयकार की गूंजेगी। और जब जब हम इस तिरंगे को फहराते हैं और जब जब हम तिरंगे को फहराते हैं तब तब हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारा उपलब्धियों का एहसास होता है। और जब जब हम इस तिरंगे को फहराते हैं हमारा सर, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हम उस बुलंदी ऊंचाइयों को छू लेते हैं जिस बुलंदी की कभी हमने कल्पना की है और आगे भी करते रहेंगे। ये तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। हम सभी भारतवासियों के लिए ये बहुत गौरवपूर्ण सम्मान की बात है। हमारा इंडिपेंडेंस डे, जियाना का भी इंडिपेंडेंस डे और आप सबका भी इंडिपेंडेंस डे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 15 अगस्त बोलो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम अपने घर पे ही हर घर तिरंगा का थीम हमने रखा हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने बालकनी में फ्लैग को फहराया है और कुछ बलून्स, और जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ बलून्स हमने लगाया है। तो आज एक अलग सी फील हो रही है और जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त हमारे लिए और हम सभी भारतवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि हर साल 15 अगस्त हम अपने ऑफिसों, कॉलेज, स्कूल और सरकारी संस्थाओं पर ही मनाते फहराते हैं। लेकिन इस वर्ष कुछ अलग है, कुछ अलग माहौल है और कुछ अलग ही नशा है फहराने का, क्योंकि इस वर्ष हम सभी भारतवासी 75वीं वर्षगांठ आजादी का मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष में हर घर तिरंगा फहराने का एक सुनहरा अवसर हमें मिला है। हर घर तिरंगा फहराने का और आजादी का अमृत महोत्सव जैसा सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम सभी भारतवासी इस मनमोहक रंग में डूबमय हो चुके हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं ये आजादी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और ये आजादी कितनी मुश्किल से हमें मिली है। इसे पाने के लिए हमारे शहीदों ने न जाने कितनी बलिदानियां दी हैं, तब जाकर हमें ये मिला हुआ है और इसमें उनके खून पसीनों की खुशबू आती है, तब जाकर के हमें अपना 15 अगस्त मनाने का सुनहरा मौका मिला और जिसे हम गर्वपूर्ण से मनाते हैं। ये हमारे और आप सभी भारतवासियों के लिए एक गौरवपूर्ण और हमारी संस्कृति, हमारी उपलब्धियों का एहसास कराता है जब हम इस तिरंगे को फहराते हैं। और इस तिरंगा अभियान में जैसे कि आप देख सकते हैं हर भारतवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मुंबई में सबसे बड़ा तिरंगा यात्रा निकाला गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं
और ये यात्रा बोरीवली से लेकर के मलाड तक की है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। बहुत सारे हर जगह बिल्डिंगों के अंदर लोग जो जहाँ पर हैं उस जगह पे इस तिरंगे को फहरा रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। आप भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और इस तिरंगे को फहराइए और इस तिरंगे की मान मर्यादा की हिफाजत करने की शपथ लीजिए और इस मातृभूमि के लिए हमेशा तत्पर रहें बलिदान के लिए। जय हिंद। तो इस इंडिपेंडेंस डे पे हमने भी ये शपथ लिया है और आप भी शपथ लीजिए। तो गाइस, हमने अपने घर पे तिरंगे को फहराया है और कुछ शब्द आपके सामने पेश किया है। हर घर तिरंगा अभियान में हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने घर पे इस तिरंगे को फहराया है। आप भी अपने घर पे तिरंगे को फहराइए और इसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और आज हमने 15 अगस्त को बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से मनाया है और जो शपथ हमने लिया है वो आप भी शपथ लीजिए और आप अपने आप को और इस देश को भी आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए और आत्मनिर्भर बनने में सहयोग कीजिए। क्योंकि आप जब आत्मनिर्भर होंगे विकास की ओर बढ़ेगा और हमारा जब देश विकास की ओर बढ़ेगा तो हमारा हिंदुस्तान हर जगह नई नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। जहां पे भी रहिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपने तिरंगे को लहराते हुए रहिए और अपने सीने में इस तिरंगे के प्रति जज्बा बनाए रखिए। जय हिंद।